तरफ ये तो पता चल गया कि मनीषा को इसी गाड़ी में ले जाएगा। शायद मनीषा ने चिल्लाने की कोशिश की और उसे चुप कराने के लिए उन लोगों ने सिर पे कुछ मारा। मुझे तो लगता है वो मर चुकी है। देवी सर कम से कम वही तो मिली चाहिए। गाड़ी यहाँ लाने से पहले पता नहीं कहाँ ले जाई गई है। हाँ अभिजीत, तो ये देख, ये तो रेत है, सफेद रेत। ये गाड़ी यहाँ लाने से पहले किसी बीच पर ले जाई गई है। जी क्या सर, आसपास में कोई बीचेस है? हाँ सर, दो बीचेस हैं। लेट्स गो, और पुलिस को जल्दी बुलाओ। टिप्सी, कम 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 बेटा, कम कम कम। अच्छा सर, जल्दी से टिप्सी को बैग सुनो। यस सर। टिप्सी, गुड गर्ल, स्मेल स्मेल स्मेल, कम ऑन टिप्सी, स्मेल बेटा। यार खोदना शुरू करो। थैंक यू टिप्सी। सर, लाश के आसपास कहीं भी खून का कोई निशान नहीं है। लगता है इसे कहीं और मारा गया है और लाश को यहां लाके छुपा दिया है। देख, गाड़ी में जो खून मिला है शायद इसी का है। देखो तो, इसके सर पर चोट होगी। हाँ सर है। उनकी हिम्मत तो देखो, दिन दहाड़े सरे बाजार में से इस लड़की को उठा लिया और फिर उसे मारकर लाश को यहां, जहां इतनी पब्लिक होती है, यहां लाकर छुपाने की कोशिश की और फिर उसे ठीक से छुपाया भी नहीं। किसी की भी नजर बड़े आसानी से पड़ सकती थी। हत्यारा या तो बेवकूफ था या फिर उसे पकड़े जाने का बिल्कुल डर नहीं था। आशा सर, ये देखिए, इसकी जेब से मिली किसी मनी ऑर्डर की रिसीट लगती है सर। कल की तारीख है, बहुत बुरी तरह से धुल गया है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट ऑफिस का नाम भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तारीख तो ठीक से समझ में आ रही है, 9/11/2003। ये तो कल की है। किसको भेजा गया है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। किसको भेजा गया होगा। दा, इसकी सहेली कामिनी को बुलाओ, वो कल इसके साथ में थी, उसे जरूर कुछ पता होगा। कामिनी जी, हमें ये मिला है, मनी ऑर्डर की रिसीट। मनीषा जी ने कल किसी को मनी ऑर्डर भेजा था और कल आप उनके साथ में थी, तो आपको मालूम होगा
कि उन्होंने पैसे किसको भेजे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं है सर, मगर वो पोस्ट ऑफिस में ही मिली थी। पोस्ट ऑफिस में? जी, मैं वहाँ पे स्टैम्प्स लेने गई थी। वो वहाँ पे क्या कर रही थी? पता नहीं, वो अचानक मुझे वहाँ पर मिली जब वो बाहर निकल रही थी। इतने सालों के बाद वो मिली थी मुझे। अब वो वहाँ पर क्यों आई थी और किस लिए आई थी ये मुझे मालूम नहीं। कौन से पोस्ट ऑफिस में मिली थी आप? अंधेरी वेस्ट के पोस्ट ऑफिस में। अंधेरी वेस्ट? एक्सक्यूज मी, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से। माफ कीजिए, हम आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं। देखिए, हम एक लड़की के मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं और हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताइए। देखिए, जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसकी जेब में से हमें ये मनी ऑर्डर का रसीद मिला है, लेकिन इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मनी ऑर्डर किसे भेजा गया था? प्लीज। कुछ साफ दिख नहीं रहा है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। लड़की का नाम मनीषा है, वो कल 11 और 11:30 के बीच यहाँ आई थी। जरा आप अपना मनी ऑर्डर का रजिस्टर देख के बता सकते हैं कि मनीषा का नाम लिखा है उसमें? एक मिनट। ये है मनीषा, 1,000 रुपए का मनी ऑर्डर किया है उसने। किसको भेजा था? कोई राजा नाम का आदमी है। पता क्या है? 14/5 अक्षय अपार्टमेंट, प्रभात रोड, एरन डवन। सर, यस, मिस्टर राजा है घर में? जी हाँ है। जरा बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। राजा? अरे राजा, तेरे को कोई मिलने आया है। कहिए कौन चाहिए? आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मिस्टर राजा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपका नाम रणवीर है, या फिर मिस्टर रणवीर आपका जुड़वा भाई है। पागल, मैं राजा हूं, रणवीर मेरा भाई है, बेवकूफ। हाँ सर, हाँ, मेरा और मनीषा का प्लान था ये पैसों के लिए, मेरी मौत का। ये सब तुमने क्यों किया? तुम्हें तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। थी सर, मेरे डैड ने मुझे भिखारी बना दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने मनीषा से शादी कर ली थी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब मनीषा ने मुझसे कहा कि अगर तुम मर सकते हो तो पैसे मिल सकते हैं। और तुम लोगों ने मिलकर दुनिया को दिखा दिया कि रणवीर एक्सीडेंट में मारा जा चुका है ना? हाँ सर, और इंश्योरेंस के 30,00,000 रुपए मनीषा ले लेगी। मगर मनीषा आई ही नहीं। हाँ सर, मनीषा अभी तक नहीं आई। मैं उसका कब से यहां पर चुपकर इंतजार कर रहा हूं। मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए सर, और मनीषा है कि बस 2,000-3,000 रुपए भिजवा देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या हो रहा है। मनीषा पूरे 30,00,000 रुपए लेकर तुम्हारे पास आने वाली थी। हाँ सर, प्लान तो यही था। क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी बीवी का एक अलग प्लान है? आपकी बीवी पूरे 30,00,000 रुपए लेकर उड़ गई। नहीं सर। हाँ नहीं सर, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम अपने पिता को धोखा दे सकते हो, अपनी मौत का ड्रामा कर सकते हो, तो मनीषा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हाँ? अब बताओ, क्यों मारा मनीषा को तुमने? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मनीषा मर गई है? हाँ, और मनीषा को तुमने ही मारा है। तो फिर ये पैसा गया कहां? इंश्योरेंस के 30,00,000 रुपए ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? किसी के पास तो गया होगा ये पैसा। सर, मनीषा के अकाउंट में कोई पैसा नहीं है।
अकाउंट एकदम खाली है। इंश्योरेंस का सारा पैसा उसी दिन निकाल लिया गया है जिस दिन मिला था, और पैसा कैश निकाला गया है सर। ओ रणबीर तो कहता है कि मनीषा ने उसे सिर्फ 5,000 रुपए दिए, तो बाकी पैसे कहां गए? तो फिर ये पैसा गायब कहां हो गया? जरूर ये किसी पहुंचे हुए आदमी का प्लान है, और अब तक जो कुछ भी हमारे सामने आया है उससे तो लगता है कि इसके पीछे इस मनीषा का भी हाथ है। मुझे तो लगता है ये मनीषा कोई गुनहगार है, क्रिमिनल। इसने पहले भी बहुत लोगों को फंसाया होगा। अपना पुलिस रिकॉर्ड चेक करो। फिर आपका शक सही था, मनीषा का पुलिस रिकॉर्ड है। मुझे लग ही रहा था। कोई कहता है उसकी शादी हुई है, कोई कहता है नहीं हुई है, और ऊपर से 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस, ये जरूर कोई चक्कर है। सर ये जो गुनाह करती है उसमें इसका एक पार्टनर है, इसका नाम इधर लिखा है लेकिन फोटो नहीं है। अमित, ये और एक नया नाम निकला है, देखो इसका आता पता है क्या है। सर 35 सी क्लोज अपार्टमेंट, नई दिशा मार्ग, निवाले ईस्ट। संभल के। ऊपर अंदर कोई भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है सर, किचन में भी कुछ भी नहीं है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं सर। कबर्ड भी खाली है, एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा घर साफ है सर, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। अमित यहाँ नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन ये दरवाजा खुला क्यों है सर? हाँ फ्रेडरिक्स। ऊपर कोई नहीं है सर, सिर्फ ये पेपर मिला है। सिर्फ पेपर मिला है? ये तो आज का पेपर है। अमित आज सुबह यहाँ था, इसका मतलब है उसे पता चल गया है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए हमारे आने से पहले वो यहां से गायब हो गया। घर का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो, कोई ना कोई सुराग छोड़ा ही होगा उसने। जाओ जल्दी, एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। चलिए देखिए, एक और कैलिप्सो की माचिस, वैसा ही मैच बॉक्स जो मनीषा के बैग में मिला था। हाँ। कैलिप्सो डिस्को, मनीषा तो वहां काम करती थी। सब बराबर फिट हो रहा है। मनीषा कैलिप्सो डिस्को, अमित कैलिप्सो डिस्को। सर शायद अमित भी वहां पे काम करता हो, या फिर कैलिप्सो डिस्को में आता जाता होगा। चलो डिस्को, वहां जाके थोड़ा सा डांस कर। एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। हम लोग CID से हैं। सुनिए, हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसा हम लोग कहते हैं वैसा करिए प्लीज। आप सब इस तरफ आइए, एक तरफ आइए प्लीज, आइए इस तरफ, आइए एवरीबॉडी। चलो इस तरफ, चलो दो लाइन बनाओ, चलो जल्दी, चलो लाइन से खड़े रहो। चलो लड़कियां सब एक तरफ, लड़के एक तरफ, यहां खड़े रहो, इस तरफ आइए। फ्रेडरिक्स लड़कियों को बाहर ले जाओ, उनका कोई काम नहीं है, आइए। चलो चलिए, चलो आप में से कोई अमित है? देखो हम अमित नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं, सच सच बताओ। चेकिंग करो। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। कार्ड कहाँ है? नहीं कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए प्लीज जल्दी। कार्ड है? सर इनमें से तो कोई अमित नहीं है साहब। हाँ मैं जानता हूँ अमित को। कौन है वो? हमारे यहाँ का वॉचमैन है, इस वक्त वो गेट के बाहर खड़ा है। पहले क्यों नहीं बताया? सुधाकर तुम्हारा नाम अमित है? हाँ साहब। सर अमित तुम्हें मनीषा की खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। खून? मनीषा साहब मैंने कोई खून नहीं किया, और ना ही मैं किसी मनीषा को जानता हूं। तुम मनीषा को नहीं जानते?
नहीं साहब। मनीषा इसी डिस्को में काम करती थी और 2 महीने पहले छोड़कर चली गई है। लेकिन साहब मुझे तो यहाँ आए सिर्फ 15 दिन हुए। तुम सच बोल रहे हो? मेरी बात का यकीन करो साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चाहे तो आप मालिक से पूछ सकते हो। देखो हम जिस अमित को ढूंढ रहे हैं वो 4 बंगला में रहता है और यहाँ आता जाता रहता है और शायद आज रात को कहीं बाहर जाने वाला है। साहब हमारे मैनेजर साहब भी 4 बंगले में रहते हैं और ये आज रात को लंदन जा रहे हैं। अच्छा आप अमित है? नहीं सर, मेरा नाम अंकुश है। मैं अंकुश हूँ, मेरा नाम अमित नहीं है। मैं तो मनीषा को जानता तक नहीं हूँ और सर मैंने तो मनीषा का खून भी नहीं किया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो दया, जब ये कह रहे हैं कि इनका नाम अंकुश है अमित नहीं है तो फिर क्यों हम इन्हें तंग कर रहे हैं? I'm sorry sir. By the way, Mr. अंकुश, आपको कैसे पता चला कि मनीषा जी का खून हो गया? फिर वही बात दया। I'm sorry sir. मगर इसे कैसे पता चला कि मनीषा जी मर चुकी है? हमने तो इसे कुछ नहीं बताया। फिर भी दया जब इनका नाम अमित नहीं है। हाँ, सर, मेरा नाम अमित नहीं है, ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जो कोई भी हो, अमित या अंकुश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ही छोड़ूंगा, समझे? दया अरे जब साहब कह रहे हैं तो जाओ अपना काम करो। हाँ दया चलो। नहीं सर। दया चलो। अरे अरे छोड़, क्या कर रहे हो? चलो। अरे छोड़, जाओ अपने कहीं और दिमाग लगाओ। जब जब मैं और मनीषा मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे और उनके पैसे लूटते थे। मनीषा मुर्गे फंसाती थी हैं? हाँ, एक दिन मनीषा की मुलाकात रमवीर से हुई। उसके पैसे देखकर मनीषा का दिमाग खराब हो गया। उसने उसने रणवीर को फंसाकर उससे शादी कर ली। मगर रणवीर के पिताजी ने सारा मामला किरकिरा कर दिया। मगर रणवीर ने हमें दूसरा रास्ता बताया। उसने कहा कि वह 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा और सारा पैसा हमें मिल जाएगा। और तुम लोगों ने इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए ले लिए। 30 लाख रुपए मिलने के बाद मनीषा ने कहा कि अब हम रणवीर को भूल जाएंगे। वो तो छिपकर पूना में बैठा रहेगा, बाहर तो वो आ नहीं सकता क्योंकि क्योंकि पुलिस की निगाह में तो वो मर चुका है। हमने सोचा था कि 30 लाख रुपए लेकर हम लोग लंदन चले जाएंगे। तुमने मनीषा को क्यों मारा? मुझे पता चला कि वो मुझे भी छोड़ने वाली है और 30 लाख रुपए लेके भागने वाली है, इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। तुम्हें मनीषा के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, अब जेल को ही लंदन समझ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.